हे एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट। और दिस वीडियो में फ्रेंड से स्केच पूरी तरह से पूरी करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ अच्छी तरह से, और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं उसे डिटेलिंग देने वाला हूँ। मैंने चारकोल पेंसिल लिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड और आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर्स के लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर चारकोल पेंसिल है, चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग टूल्स के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं इजिली। एज अ बिगनर आर्टिस्ट, जो भी आप बिगनर आर्टिस्ट है, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपको। अगर आपने आर्ट्स को इम्प्रूव करना है, स्केच को इम्प्रूव करना है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ बनाना है, रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है डेली प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्केच इम्प्रूव होगा। और मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। इसलिए एज अ स्केच आर्टिस्ट जो बिगनर्स हैं और भी जो लोग हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो भी डेली कोई कुछ ना कुछ स्केच ड्रॉ करें। कोई भी आपका, अगर आप कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो यू हैव टू आस्क मी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है। एज अ बिगनर आर्टिस्ट जो भी हैं, तो मैं उन्हें सजेशन देना चाहूँगा कि आप ग्रिड मेथड का यूज़ करें। कोई भी पोर्ट्रेट स्केच है या और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, वो है आर्टलिन की पेंसिल है। और जो मैं पेज है, तो 190 GSM का पेज है। फाइनली फ्रेंड्स, ये स्केच पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और आपको ये स्केच कैसा लगा मुझे कमेंट करना जरूर फ्रेंड्स। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो आप नए हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।